मुद्दे थे, पेपर लीक पर कार्रवाई हो, जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर जो सदस्य बनते हैं उनके लिए कोई ना कोई पुख्ता मापदंड, क्योंकि वहीं से पेपर भी सेट होते हैं, इंटरव्यू भी होते हैं, और करप्शन को लेकर मैंने बात रखी थी। तो तीनों बातों पर पार्टी सरकार में सहमति है और आने वाले सत्र के अंदर इस पर नियम कानून भी बनेंगे। प्रदेश की सरकार इन दोनों मुद्दों पर निराकरण करके आगे का रास्ता रखेगी ताकि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि संगठन और सत्ता अगर मिलकर हम लोग काम करेंगे तो 25 साल का जो ये क्रम चल रहा है इसको हम तोड़ सकते हैं। जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम मिलकर ही चुनाव जीत भी सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। निर्दलता से बिना डरे हुए सदन के अंदर सदन के बाद विवाद को रखता है, कहीं ना कहीं साजिशपूर्ण तरीके से उन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये एक दिन का मौन व्रत रखा है देश के लोगों को जागरूक करने के लिए, ये संदेश जन जन तक पहुँचे कि लोकतंत्र में जो हमारी आस्था है वो बरकरार रहे। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहीं भी आप अपना चैनल भेज दो, मेरे को बताइए कि किसने आज तक इतनी बड़ी सजा हुई है, और कभी सजा ही नहीं हुई थी। मेरे ऊपर 3-4 बार डेफामेशन, मैंने 5-6 बार डेफामेशन किया, आज तक हुआ ही नहीं कभी। तो पहली बार है कि इतना बड़ा सजा जो दी गई।